कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को आज हम आए हैं कामाख्या मंदिर में। आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मंदिर के मुख्य कक्ष के अंदर, जहां हम आपकी बातचीत कराएंगे मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। मेरा नाम पंडित दिलराज भट्ट है और मैं यहाँ पे जो है 20 साल से माता की सेवा में है। इस मंदिर के बारे में बताइए, कितना पुराना है, कब से है? माँ कामाख्या का मूल स्थान असम गुवाहाटी और 1972 22 मार्च 1972 में ये जिनकी तस्वीर लगी श्री मदन मोहन शर्मा जी, ये आर्मी में हुआ करते थे पहले। तो जब इनकी पोस्टिंग असम हुई तो माँ कामाख्या के यहाँ जाया करते थे दरबार में, तो वहाँ ध्यान साधना किया करते थे। तो इनको जो है माँ ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और माँ ने कहा कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, बताया इस जगह पे मुझे स्थापित करो। बहुत छोटे रूप में उस समय 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में स्थापित की गई इन्हीं के द्वारा। धीरे धीरे ये तो पाँचवा गुंबद है, टूटते गया बनते गया और इन्हीं के प्रयास के द्वारा। और इसमें न कोई संस्था है, न कोई कमेटी है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई उपाध्यक्ष है, न ही इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा सहयोग है। जो भी है इनकी फैमिली, इनका परिवार, यही लोग इसमें जो है अपना कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जो भी काम है यही देखते हैं, इनकी रेखे देखे में होता है। तो धीरे धीरे इनसे कहा था कि भाई कभी किसी मेरे नाम की कभी रसीद बुक मत बनाना और न कभी किसी के आगे हाथ फैलाना, कि स्वयं मेरे साथ लक्ष्मी है, तू वो अपने आप व्यवस्था करेगी और तू बनाएगा। तो इनके अथक प्रयास से, माँ की कृपा से, तो धीरे धीरे यह बनता गया। इतनी कम समय में इतना भव्यता लेना, एक परिवार के द्वारा इतना सब करना, ये मामूली बात थोड़ी है। ये सब इसकी कृपा के द्वारा, जब चेतन रूप में जागृत अवस्था में रहती है यहाँ पे, यहाँ पर कोई क्या कहते हैं सपने होंगे ऐसा करो नहीं, यहाँ पे फेस टू फेस बोलती है। तो आपसे बातचीत करती है माता, आप अपना कोई अनुभव बताइए इसके बारे में। अनुभव तो इतने हैं कि हम सबको बता नहीं सकते हैं, जो भी है आप समझ लीजिए कि 100% हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि परमात्मा बोलता है, जैसे हम आपसे बातें करते हैं वैसे बातें करता है, ये हम जानते हैं जी। हम हर चीज़ आपको उजागर नहीं कर सकते हैं, जो भी होता है प्रत्यक्ष करवाती है, फेस टू फेस करवाती है। जो भी अनुभव कराना होगा, ये नहीं कि सपने में आएगी ऐसा करो कहेगी ऐसा, यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ फेस टू फेस बोलती है, जो मेरा अपना अनुभव है। यहाँ तक कि जब मैं ड्रेस भी चेंज कराता हूँ तो कितने मुझे वापस कर दिया, इस कलर में नहीं इस कलर में लिया। अच्छा, तो ऐसा आपके साथ हुआ है मतलब? हाँ, होते रहता है, होते रहता है। यहाँ पे जो भी उपस्थित रहता है इनके परिवार में, पहले ये थे, ये तो बहुत कुछ जानती थी, पहले आभास कर लेती थी कौन आ रहा है, किसको क्या कहना है, सब माँ पहले ही बता देती थी ना। तो जो भी यहाँ प्रेजेंट रहता है उसको आदेश करती रहती है, पूरा निर्देशन इसका चलता है, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे जो भी करना है ये सब ये अपने आप निर्धारित करती है कि यहाँ पे ऐसा करो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है, जो चलता है हमारी सुपर पावर यही है। तो इसलिए जो है कामाख्या, मैंने ये देखा कि माँ कामाख्या बहुत चेतन और जागृत रहती है। आप यहाँ कितने साल से हैं? मेरे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर न कोई पढ़ने की, न कोई सुनने की, कोई जो है आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने आप ज्ञान देती है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। मैंने जो मेरा अनुभव रहा है यह स्वयं निर्देश करती है, ऐसा करो ये करो ये करो, ऐसा ऐसे ध्यान करो, ऐसे बैठो, ये सब अपने आप निर्देश करती है। एक अनुभव आप बताना चाहेंगे तो बता। मैंने बताया ना, जैसे मैं ड्रेस ले आया ठीक एक दिन शिवरात्रि से एक दिन पहले, अपने अपने भाव होते हैं, मैंने कहा चलो माँ को लाल ड्रेस पहनाऊँ,
जैसे मैंने यहाँ पे ड्रेस रखी तो माँ बोलती नहीं आज मुझे लाल ड्रेस नहीं पहननी है, उससे आगे कुछ नहीं बताया, मेरी समझ में नहीं आया, सारी ड्रेसें उठा के लिया और मैंने रख दी यहाँ पे। मैंने कहा माँ अब बताओ कौन सी पहननी है, तो कहती मुझे आज पीले कलर में पहनना है। तो ये अपना होने का आभास भी कराती है। हम कहते हैं ना माँ बहुत दयालु है, हैं ममता में ही है, कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव भी होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी माँ की कैसी ममता है, कैसी दया है, उसको भी तो अनुभव करना है ना, है कि नहीं है। जब मैं यहाँ पे पुजारी हूँ और मुझे ही पता नहीं है तो क्या बात है फिर। कहना और अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव भी होना चाहिए उस चीज़ का कि मेरी माँ कैसी है, कितनी ममता करती है, कैसी दया है उसकी, कैसी करुणा है, ये सब जो है अनुभव में होना चाहिए। तब आपकी भक्ति मजबूत होती है, तब आप जो है एक स्तंभ की तरह खड़े रह सकते हैं कि कैसा ही चमत्कार हो जाए। चमत्कार को नमस्कार नहीं करोगे, नहीं, ये इससे बढ़कर कोई नहीं है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। जब नवरात्रियाँ होती हैं उस टाइम पर आपको जो अनुभव हुआ है वो कभी किसी भक्त को ऐसा अनुभव हुआ है? ये नवरात्रि की बात नहीं है, ये हर समय अनुभव कराती है, ये नवरात्रि का ऐसा विशेष नहीं है, ये कभी भी किसी को भी अनुभव करा सकती है। जैसे नीचे एक गाँव में, हमारे इसी गाँव में आपकी तरह एक लड़की रहती थी, अभी तो कॉलेज में पढ़ाती हैं वो यहाँ डिग्री कॉलेज में, तो उन्होंने क्या बताया मेरे को कि जैसे मैं पंडित जी यहाँ आ रही थी इन सीढ़ियों में, इन पौड़ी में ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो मैंने इस मूर्ति को वो जहाँ पे रेलिंग है बाहर वहाँ पे देखी, तो मैंने यही सोचा कि क्या कहते हैं, अरे आज मूर्ति यहाँ कैसे रख दी, तो मैंने ऐसे सोचा यहाँ रख दी होगी, फिर मैं सीधे आई, कह रही अंदर आई, प्रणाम किया और फेरे लगाए, और फेरे लगा के फिर इस तरफ आई, जैसे मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया, पंडित जी मेरे साथ अभी भी ऐसा हुआ। तो यहाँ पे नवरात्रियों में क्या आपका आयोजन रहता है मैया? आयोजन ये होता है कि 10 दिन तक माँ का जो है पूजन होता है, अष्टोत्तर पूजन होता है, भोग लगता है, भोग तो हमारा डेली रखता है 12 बजे, तो वैसे भी जो है अनुष्ठान चलते हैं। तो नवरात्रियों में क्या स्पेशल रहता है मैया? स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल ऐसा है कि हम लोग यहीं रहते हैं, अखंड दिया तो हमारा वैसे भी चलता रहता है रात दिन, तो आयोजन लास्ट दिन जो है हमारे दशमी को भंडारा होता है, भव्य भंडारा होता है, कारीगर आते हैं बरेली से और जो है बहुत अच्छा भंडारा बनता है, लोग भंडारे प्रसादी के लिए पूरी मार्केट से, नीचे कैंट एरिया से सारे लोग आते हैं, प्रसादी वितरण होती है उस दिन, हवन होता है। तो ये है अनुभव। तो जैसे आपने और भक्तों के साथ कहा, जैसे यहाँ एक दिन ये जी साहब रहते थे नीचे इससे पहले वाले, तो इनकी मैडम शाम को 5 बजे डेली आती थी, तो उन्होंने क्या बताया, पंडित जी मैं जो घंटी के पास थी तो यहाँ पर यह मूर्ति न होकर के माँ काली का बाल खोल के बैठी हुई थी, तो जैसे मैं स्टेप चढ़ते 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 ऊपर तक आई और मैंने ऊपर रखा इस सिस्टम में, जो हवन कुंड में जैसे मैंने पैर रखा, फिर मैंने इसको देखा तो फिर यही 3-4 स्टेप में मेरे को जो है ही दिखती गई काली, ये नहीं काली बैठी है। तो भक्तों के खुद के अनुभव भी हैं जो हमको बताते हैं कि पंडित जी आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये है, ये तो चमत्कार है ही, यहाँ पर ऐसा नहीं है। शक्ति कहा ना, शक्ति जागृत और चेतन अवस्था में बैठती है, जैसे हम आपसे बातें करते से बोलती रहती है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो है ये अलौकिक धाम है, ये धाम है हमारे, देखते देखते जो इतना वो हो गया है कि मत पूछिए। देखिए 40-45 साल के अंदर जो है इतना सब भव्य रूप ले लिया, ये क्या कम देख रहे हैं आप?
माँ कामाख्या मंदिर के भ्रमण के बाद हम आपको ले चलते हैं पिथौरागढ़ शहर के हवाई पट्टी की ओर।